there is no point in mugging up English vocabulary. Because you must have heard, the more you practice, the more you learn. So, this is the reason why we forget the words. Hello friends, welcome back to learn English easily. How are you all? I hope you all are fine. Today we will learn one more interesting topic. So without wasting time, let's jump into the video. Today's topic is, in this video today we will learn phrasal verbs and idioms that we use in our daily life. Slow down, slow down. Iska meaning hai pehle se kam sakriya ho jana, pehle se kam sakriya ho jana. Example dekhte hain, holidays are for slowing down, holidays are for slowing down. छुट्टियाँ आराम करने के लिए होती हैं, छुट्टियाँ आराम करने के लिए होती हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, फीवर स्लोड मी डाउन, फीवर स्लोड मी डाउन. बुखार ने मुझे सुस्त बना दिया, बुखार ने मुझे सुस्त बना दिया. डू समथिंग ओवर, डू समथिंग ओवर. मीनिंग देखते हैं, कुछ दोबारा करना, कुछ दोबारा करना. एग्जाम्पल देखते हैं, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट टू डू होमवर्क ओवर, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स टू डू होमवर्क ओवर. मैंने अपने स्टूडेंट से होमवर्क दोबारा करने के लिए कहा, मैंने अपने स्टूडेंट से होमवर्क दोबारा करने के लिए कहा. टर्न डाउन, टर्न डाउन. इसका मीनिंग है अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना. एग्जाम्पल देखते हैं, She turned down my proposal. She turned down my proposal. उसने मेरा proposal को अस्वीकार कर दिया. उसने मेरा proposal को अस्वीकार कर दिया. An example देखते हैं. I got an offer for job, but I turned down. I got an offer for job, but I turned down. मुझे नौकरी के लिए एक offer आया, लेकिन मैंने मना कर दिया. मुझे नौकरी के लिए एक ऑफर आया, लेकिन मैंने मना कर दिया. ड्राइव मी अप द वॉल, ड्राइव मी अप द वॉल. इसका मीनिंग है चिढ़ाना, चिढ़ाना या सताना, सताना. एग्जाम्पल देखते हैं, द साउंड ऑफ बुलेट रियली ड्राइव मी अप द वॉल, द साउंड ऑफ बुलेट रियली ड्राइव मी अप द वॉल. बुलेट की आवाज़ सच में मुझे परेशान कर देती है, बुलेट की आवाज़ सच में मुझे परेशान कर देती है. एन एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल बाय रिपीटिंग द सेम थिंग, यू आर ड्राइविंग मी अप द वॉल बाय रिपीटिंग द सेम थिंग. तुम एक ही बात को बार बार दोहराकर मुझे सता रहे हो, तुम एक ही बात को बार बार दोहराकर मुझे सता रहे हो. कॉल अराउंड, कॉल अराउंड. मीनिंग देखते हैं, अलग अलग जगाओ, अलग अलग जगाओ या लोगों को कॉल करना, या लोगों को कॉल करना. एग्जाम्पल देखते हैं, आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स अराउंड फॉर बर्थडे पार्टी, आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स अराउंड फॉर बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टी के लिए मैंने अपने दोस्तों को कॉल की, बर्थडे पार्टी के लिए मैंने अपने दोस्तों को कॉल की. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई ऑलवेज कॉल माई फ्रेंड्स अराउंड व्हेन आई नीड हेल्प, आई ऑलवेज कॉल माई फ्रेंड्स अराउंड व्हेन आई नीड हेल्प. जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को कॉल कर लेता हूँ, जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को कॉल कर लेता हूँ. पास समथिंग ऑन, पास समथिंग ऑन. कुछ किसी और को दे देना, कुछ किसी और को दे देना. एग्जाम्पल देखते हैं, आई पास ऑन माई नॉलेज
टू यू ऑल वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स आई पास ऑन माई नॉलेज टू यू ऑल वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स जो कुछ भी मैंने अपने टीचर्स से सीखा मैं अपनी नॉलेज आपको बांट देता हूँ जो कुछ भी मैंने अपनी टीचर से सीखा मैं अपनी नॉलेज आपको बांट देता हूँ गेट थिन ऑन टॉप गेट थिन ऑन टॉप मीनिंग है बाल कम होना या झड़ना बाल कम होना या झड़ना यू आर गेटिंग थिन ऑन द टॉप यू आर गेटिंग थिन ऑन द टॉप तुम्हारे सिर से बाल कम होने लगे हैं तुम्हारे सिर से बाल कम होने लगे हैं एन एग्जाम्पल देखते हैं माई फादर गेट अ लिटिल थिन ऑन द टॉप माई फादर गेट अ लिटिल थिन ऑन द टॉप मेरे पापा के सिर से हल्के हल्के बाल कम होने लगे हैं मेरे पापा के सिर से हल्के हल्के बाल कम होने लगे हैं Be thin on the ground. Be thin on the ground. Meaning है कम मात्रा या कम नंबर में उपलब्ध या कम नंबर में उपलब्ध Tigers are thin on the ground these days. Tigers are thin on the ground these days. आजकल टाइगर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं आजकल टाइगर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हैं सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं सच एक्सपीरियंस्ड पर्सन लाइक माई मैटरनल ग्रैंड फादर आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डेज सच एक्सपीरियंस्ड पर्सन लाइक माई मैटरनल ग्रैंड फादर आर थिन ऑन द ग्राउंड दीज डे मेरे नाना की तरह अनुभवी लोग आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं मेरे नाना की तरह अनुभवी लोग आजकल बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं ड्रेस अप मीनिंग है विशेष तरह के कपड़े पहनना विशेष तरह के कपड़े पहनना शी ड्रेस्ड अप फॉर डांस परफॉर्मेंस शी ड्रेस्ड अप फॉर डांस परफॉर्मेंस उसने डांस परफॉर्मेंस के लिए विशेष तरह के कपड़े पहने उसने डांस परफॉर्मेंस के लिए विशेष तरह के कपड़े पहने सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हाउ लॉन्ग विल यू टेक फॉर ड्रेसिंग अप How long will you take for dressing up? विशेष तरह के कपड़े पहनने के लिए आप कितना समय लोगे विशेष तरह के कपड़े पहनने के लिए आप कितना समय लोगे आज के लिए बस इतना ही कल मिलेंगे न्यू वर्ड और न्यू टॉपिक के साथ फॉर टुडे दैट्स ऑल विल मीट अगेन विद न्यू वर्ड एंड न्यू टॉपिक Thanks for watching. Have a nice day.